Hello students, let us start another topic, polymer chemistry. We have studied in detail about what are polymers, type of polymers, and polymerization, addition polymerization, condensation polymerization, and some important, commercially important polymers. Now, one thing is remaining in this chapter. एक ही चीज बची हुई है, वो है polymer blends and composite. So, अभी हम इसको शुरू करते हैं. और उससे पहले आप ये समझिए, एक बार फिर से हम यहाँ पर revise करा दें. Let us have a recall. आपको क्या क्या जानना चाहिए. मैंने आपको क्लासिफिकेशन, एक सिंपल क्लासिफिकेशन मैं आपको बताऊँ. नेचुरल हो सकते हैं पॉलीमर, सिंथेटिक हो सकते हैं या फिर सेमी सिंथेटिक हो सकते हैं. इसके अलावा जो पॉलीमर्स हैं दोज में भी होमोपॉलीमर और को पॉलीमर हो सकते हैं. ठीक है, ये सारी डेफिनेशन हमने आपको पहले ही बता दी है. दे में भी थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और इलास्टोमर्स, थर्मोसेट्स हो सकते हैं, इलास्टोमर्स. थर्मोसेट्स वे होते हैं जो ऑन हीटिंग क्या होते हैं, हार्ड हो जाते हैं. थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, हीट करने पे सॉफ्ट होते हैं. इसका रीजन क्या है इसको बताने का, क्योंकि जो थर्मोप्लास्टिक है दे कैन बी रीकास्टेड, मीन्स वो रीयूजेबल प्लास्टिक है. रीयूजेबल प्लास्टिक मीन्स एक जो हम उन प्लास्टिक्स को कवर किए, कलेक्ट किए यूज करने के बाद में, और उन खराब प्लास्टिक्स को हमने क्या किया, मेल्ट किया. मेल्ट करके वी कैन कास्ट टू अनदर शेप, उसको कुछ और बना सकते हैं. बट थर्मोसेट्स में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो हीट करने पर क्या हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं. दोज में भी एक सिंपल क्लासिफिकेशन, दोज में भी एक क्रिस्टलाइन और एमारफस, क्रिस्टलाइन हो सकते हैं, एमारफस हो सकते हैं. दोज में भी बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, दैट इज टू मच बर्निंग फील्ड राइट नाउ. आज की रिसर्च में अगर ये पूछा जाए कि भाई ये बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है, तो ये आपका जानना बहुत जरूरी है कि बायोडिग्रेडेबल क्या है और नॉन बायोडिग्रेडेबल. बायोडिग्रेडेबल वे जो कि क्या है, वे हैं जो कि क्या होते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं. ठीक. और नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक्स जो आज के युग के बोलते हैं वही क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल. मींस इनको बैक्टीरियाज या अर्थ क्रस्ट में मौजूद जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इनको खत्म नहीं कर पाते. ठीक है, तो आज की डेट में अगर पूछे पॉल्यूशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, तो बिग प्रॉब्लम इज नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक. प्लास्टिक वी हैव टू यूज, वी मस्ट यूज, हमारी लाइफ का पार्ट हो चुका है. बट वो कैसा होना चाहिए, आप सारे लोगों की जरूरत क्या है, क्या डेवलप करें, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर डेवलप करें, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर प्लास्टिक डेवलप करें. यानी कि यूज़ किया, यूज़ करके बाद उसको हमने कहीं भी फेंक दिया तो वो फिर उस पर क्या हो जाए, ऑर्गेनिक मैटर बन जाए, वेस्ट मैटर बन जाए. और हम वी हैव टू अवॉइड दिस नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर. Those polymers may be conducting and non-conducting, that is another matter, and so on. So this was the basic classification जो हम लोगों ने पढ़ा है. Once again, I am willing to recall you so that you can understand entire topic as a whole. You can set in your mind, जिससे कि क्या हो, आप examination में अच्छे नंबर ला पाओ. ठीक है, let us start. Polymer की दूसरी बात क्या, हमको चाहिए क्या, it must be of best quality. And it must be cost effective, यानी कि खर्च भी कम होने चाहिए. ठीक है, it must be of best quality और it must be cost effective. What qualities we expect? Just have introduction. हमने आपको फिर से मैं रिकॉल कर रहा हूँ, बार बार मुझे उन्हीं चीज़ों को रिपीट इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे उम्मीद है आप सब पूरा का पूरा इसको याद कर लोगे. ठीक है, वेदर यू आर इन बी टेक और इन अदर क्लास, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. इवन क्लास 12 से शुरू करके और ऊपर पीजी लेवल तक सभी जगहों पर काम होने वाली चीज़. इवन द चैप्टर्स आर नॉट बींग डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, उनका लेवल डिवाइड होता है. यानी कि पॉलीमर आपने पहले भी पढ़ा होगा, 9th-10th में भी पढ़ा होगा, 12th में भी पढ़ा है, इवन इन ग्रेजुएशन इन बी टेक आप पढ़ रहे हैं, फिर इसका लेवल बढ़ता जाता है. बेसिक थिंग इज सेम एंड आई एम गिविंग टू ट्राइम टू गिव यू द होल थिंग दैट इज रिक्वायर्ड अप टू ग्रेजुएशन लेवल. सो हाउ पॉलीमर्स आर मेड, सिंपल. These polymers are made up of monomers and monomers, जिसको स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन्हीं की रिपीटिंग यूनिट से हम लोग क्या बनाते हैं, पॉलीमर्स, जो कि लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं. लेट अस अगेन, पॉलीमर्स
में भी होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। मैंने यहाँ पे फिर से डायग्रामेटिकली क्लियर कर दूँ, जो मोनोमर यूनिट्स हैं दो आर ऑफ सेम टाइप तो उसको होमोपॉलीमर बोलेंगे, ये रेड डिफरेंट टाइप के मोनोमर यूनिट्स आ गई, एक से ज़्यादा मोनोमर यूनिट्स हैं टाइप की मोनोमर यूनिट्स हैं तो उसको हम लोग कोपॉलीमर बोलेंगे। अगेन ब्लॉक वर्सेस क्राफ्ट कोपॉलीमर, ये ब्लॉक पॉलीमर है जहाँ पर ब्लॉक्स ऑफ डिफरेंट दीज द ब्लॉक्स ऑफ डिफरेंट मोनोमर्स ऑफ द मेन चेन, ठीक है, यानी दोनों बना रहे हैं। लेकिन ग्राफ्ट पॉलीमर में क्या है, देखिए जब मेन चेन है दैट इज मेड अप ऑफ ए सिंपल टाइप, एक एक टाइप के लोग क्या बनाते हैं इस बेसिक स्केलेटन बनाते हैं और दूसरे टाइप के लोग क्या बनाते हैं चेन बनाते हैं, तो ऐसे पॉलीमर्स को हम लोग ग्राफ्ट पॉलीमर कहते हैं। आई एम ट्राइंग टू गिव यू ट्राइग्रामेटिकली, मैंने सिंपली इसको सर्च कर लिया है गूगल से, जो अच्छे इमेजेस लगे उनको आपको एक्सप्लेन करने के लिए रखा है। आई एम नॉट गोइंग टू से दैट मैंने इसको सब बैठ के डिज़ाइन किया है, ठीक है, बट आपको एक्सप्लेन अच्छे से हो जाए और आप इस चीज़ को एग्जाम में लिख सको। जैसे ग्राफ पॉलीमर, एक पॉलीमर ऐसा है जो कि एक मोनोमर यूनिट ऐसी है जो कि स्केलेटन बना रहे हैं, दूसरे टाइप के मोनोमर यूनिट्स ब्रांचेस बना रहे हैं। ब्लॉक पॉलीमर में क्या है कि मेन स्केलेटन में दोनों हैं, यानी ए और बी टाइप के, एक्चुअली ये दीज आर कोपॉलीमर्स, कोपॉलीमर्स मतलब एक से ज़्यादा मोनोमर यूनिट। अगेन ब्रांच्ड वर्सेस ग्राफ्ट पॉलीमर, आई थिंक दिस इज द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन, ये ब्रांचिंग हुई है, जबकि ग्राफ्ट पॉलीमर ब्रांचिंग हुई है, ब्रांच्ड पॉलीमर मे बी होमो, ये ध्यान दो, ये दिस मे बी होमो, ये आपका होमो भी हो सकता है, लेकिन ये क्या है ग्राफ्ट कोपॉलीमर है, यानी कि जिसमें एक बेसिक स्केलेटन बना रहा है और दूसरा मोनोमर यूनिट क्या बना रहा है, ब्रांचेस बना रहा है। ओके, सो द मेजर प्रॉब्लम इन एप्लीकेशन ऑफ पॉलीमर्स इन इंजीनियरिंग इज देयर लो स्टिफनेस एंड स्ट्रेंथ। रिमेंबर मैंने आपको भी बताया कि आपको कैसा होना चाहिए, गुड क्वालिटी पॉलीमर होना चाहिए और कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए, ठीक है। तो अब हमारे पास जो पॉलीमर्स हम लोग बनाते हैं उसमें मेजर प्रॉब्लम क्या आती है, मेजर प्रॉब्लम आती है कि उनका लो स्टिफनेस और स्ट्रेंथ, यानी स्ट्रेंथ कम होती है हमको, क्या हमारे पास स्ट्रेंथ मजबूत चीज़ क्या है, जैसे आयरन रॉड स्टील उसको लगाते हैं, ठीक है, तो कास लेकिन स्टील के साथ ड्रॉबैक भी है दैट इज मच हैवी, तो हमको पॉलीमर ऐसा सपोज कि हम उसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं, वी आर विलिंग टू रिप्लेस द आयरन रॉड, तो उस आयरन रॉड को रिप्लेस किससे करें, हम पॉलीमर से कर रहे हैं। अब पॉलीमर से रिप्लेस करने का मतलब हमारे पास ऐसा पॉलीमर हो जिसमें उतनी स्ट्रेंथ तो आए, ठीक, सो वी हैव कंपेयर्ड दिस। अगर मेटल से कंपेयर करो तो जो इसका जो है, इसका जो मॉडुलस है किसका, पॉलीमर्स का, वो 100 टाइम्स लोअर है और स्ट्रेंथ 5 टाइम्स लोअर होता है, ठीक है, एक सिंपल पॉलीमर्स का ये है, ठीक। होमोपॉलीमर जो होते हैं उनकी मॉडुलाई कितनी, 0.3 से 20 और स्ट्रेंथ 120 to 40। अब इसकी जगह आप स्टील देख लो तो जहाँ इसकी मॉडुलाई 0.3 to 20 है, स्टील की मॉडुलाई कितना है, 200, यानी मैनी मैनी टाइम्स स्ट्रेंथ इसका, ये देखिए 200, ठीक। अब यहाँ पे एल्युमिनियम ये 70 और 200, यानी स्टील सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इसके इसमें आता है। तो हमारी पॉलीमर्स में ये प्रॉब्लम आती है कि इनकी पॉलीमर्स की स्ट्रेंथ जो है और मॉडुलाई वो मेटल से कंपेरेबल नहीं है, मेटल से काफ़ी कम होती है, ठीक है। तो फिर आपके पास मेजर इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स हैं, इंजीनियरिंग पॉलीमर्स जो आजकल प्रीमियम पॉलीमर्स हैं जो यूज़ कर रहे हैं, उनमें क्वालिटी क्या मतलब, हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस होना चाहिए, हाई इम्पैक्ट स्ट्रेंथ होना चाहिए, केमिकल रेजिस्टेंस होना चाहिए एंड अदर सम अदर स्पेशल प्रॉपर्टीज आर रिक्वायर्ड। यानी जब आप इंजीनियरिंग प्लास्टिक, जिसको इंजीनियरिंग पॉलीमर जिसको हम लोग प्लास्टिक बोलते हैं, तो उस प्लास्टिक में इतनी प्रॉपर्टीज़ कम से कम होनी चाहिए, टेम्परेचर रेजिस्टेंस अच्छा होना चाहिए, इम्पैक्ट रेजिस्टेंस अच्छा होना चाहिए, केमिकली दे मस्ट बी रेजिस्टेंस, ऐसा ना हो कि कोई केमिकल मान लीजिए बहुत ही स्ट्रांग है वो, बट उस पर थोड़ा सा भी एसिड पड़ गया, एसिड डुकाटर पड़ गया तो वो डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है, एंड सम अदर स्पेशल प्रॉपर्टीज एज पर नीड आर रिक्वायर्ड। लेट अस, और भी क्या होना चाहिए, जैसे इंजीनियरिंग पॉलीमर्स जो बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं खूब ज़्यादा, वो क्या है, एलिफैटिक पॉलीमर, नायलॉन 6 हो गया, नायलॉन 6-6 हो गया, ABS हो गया, एक्रैलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टाइरीन, ठीक है, ये हो गया, पॉलीकार्बोनेट्स हो गया, पॉलीसल्फोनेट्स हो गया, पॉलीफिनाइल
क्लीन ऑक्साइड हो गया, पॉलीएसिटल्स हो गया, ठीक, ये जो फ्लोरोप्लास्टिक्स आजकल यूज होते हैं, ये सब जो मेजर हमारे हैं, यानी कि ये चाहिए होता है, ठीक। तो अब मेथड टू इंक्रीज स्टिफनेस, हम स्टिफनेस और स्ट्रेंथ बढ़ाएं कैसे, मैंने बताया था यही प्रॉब्लम है। और ये समझिए, ये जो एक और नेक्स्ट चीज मैं ये कह रहा हूँ, नेक्स्ट आपके टोटल चार यानी पीई पीपी पीवीसी और पीएस, पॉलीस्टाइरीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीपीपी और पीई, यही जो मोर देन 85% मार्केट पे कब्जा किए हुए हैं, यानी ये बिग फोर प्लास्टिक कहे जाते हैं, जो हमने इनसे मैं बताया है यहाँ पे, देखिए इनमें ये है ऐसे जो कि बिग फोर प्लास्टिक कहे जाते हैं, कॉमोडिटी प्लास्टिक कहे जाते हैं, क्योंकि पूरे मार्केट पे इन्हीं का कब्जा है, यही बनते हैं, ठीक है। अब हम क्या करना चाहिए, हमको पॉलीमर्स की स्ट्रेंथ इंक्रीज करना चाहिए, मेथड टू इंक्रीज द स्टिफनेस एंड स्ट्रेंथ। हाउ वी कैन इंक्रीज द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, नोवेल होमोपॉलीमर डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है, दिस वन नोवेल होमोपॉलीमर डिजाइन कर सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं, क्रॉस लिंकिंग से पॉलीमर स्ट्रांग होता है, मैंने आपको बताया कि लाइक दिस, ये अगर जैसे रबर है, रबर जो है बहुत ही सॉफ्ट है, और इसमें क्रॉस लिंकिंग हम किससे करवा देते हैं, सल्फर से, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज वल्कनाइजेशन, और इससे फिर यूजेबल हो जाता है, क्योंकि जो प्योर रबर है, नेचुरल रबर है, दैट इज ऑलमोस्ट अनयूजेबल, वो आपके किसी खास काम नहीं आता, ठीक है। तो आप ये चीज़ें हैं, क्रॉस लिंकिंग करा सकते हैं, उसमें को पॉलीमराइजेशन करते हैं, को पॉलीमर से भी उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, उस पर रेडिएशन इफेक्ट डालते हैं, IPN यानी इंटरपेनिट्रेटिंग नेटवर्क स्ट्रक्चर डेवलप कर देते हैं, और या फिर ब्लेंडिंग और कंपोजिटिंग यानी ब्लेंड और कंपोजिट बना देते हैं, या फिर रीइंफोर्स्ड पॉलीमर बना देते हैं, ये हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, कौन से, पॉलीमर ब्लेंड एंड कंपोजिट। सो व्हाट आर दीज, अभी जो हमने ये डिस्कस किया है, यानी होमोपॉलीमर बना, नए होमोपॉलीमर्स बना दें, क्रिस्टलाइजेशन कराएं, क्रॉस लिंकिंग कराएं, को पॉलीमराइजेशन कराएं, रेडिएशन उस पर फॉल कराएं, या फिर नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाएं, या ब्लंट कंपोजिट बनाएं, ठीक है, ये सब क्या है, ये उनको उसकी स्ट्रेंथ और स्टिफनेस इंक्रीज करने के मेथड है। व्हाट वी हैव टू स्टडी, वी हैव टू स्टडी ब्लेंड्स एंड कंपोजिट। व्हाट आर दीज ब्लेंड्स एंड कंपोजिट्स, ब्लेंड और कंपोजिट है क्या भाई, ये देखिए, व्हाट आर दीज ब्लेंड एंड कंपोजिट। पॉलीमर ब्लेंड होता है ए मिक्सचर ऑफ एटलीस्ट टू पॉलीमर्स और को पॉलीमर्स, यानी ब्लेंड में दो पॉलीमर्स को हम लोग मिक्स करते हैं, जैसे पॉलीमर प्लस पॉलीमर, एग्जांपल पॉलीएथिलीन एंड पॉलीएमाइड, यानी पॉलीएथिलीन और पॉलीएमाइड, पॉलीथीन जिसको आप सिंपल बोलते हो, वो और पॉलीएमाइड दो को क्या करते हैं, हम यहाँ पर मिक्स कर देते हैं। एंड व्हाट इज कंपोजिट, उस पॉलीमर में हम रीइंफोर्सिंग करते हैं, रीइंफोर्स्ड विद सम अदर मटेरियल, जो कि मेटल हो सकता है, नॉन मेटल हो सकता है, बट पॉलीमर नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ब्लेंडिंग एंड कंपोजिटिंग यानी ब्लेंड बनाना और कंपोजिट डेवलप करना, ये क्या है, पॉलीमर के स्ट्रेंथ को बढ़ाने का तरीका है, ठीक है। पॉलीमर ब्लेंड एज सच, ब्लेंड और कंपोजिट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टर्म है, दोनों में सोचते हो, दोनों में इन बोथ ऑफ देम देयर इज मिक्सिंग हो रही है, तो क्या हो रहा होगा, आपको ये याद रखना है कि पॉलीमर ब्लेंड में पॉलीमर मिक्स्ड विद पॉलीमर है, और कंपोजिट में पॉलीमर मिक्स्ड विद सम रीइंफोर्सिंग मटेरियल दैट इज नॉट पॉलीमर, मींस जो कंपोजिट है उसमें पॉलीमर के साथ कोई रीइंफोर्सिंग या फिलर मटेरियल है, एग्जांपल एपॉक्सी रेजिन प्लस कार्बन फाइबर है, कुछ और है, लेकिन पॉलीमर प्लस पॉलीमर नहीं, पॉलीमर प्लस पॉलीमर हुआ तो क्या हो जाएगा, दैट इज पॉलीमर। नीड ऑफ ब्लेंडिंग एंड कंपोजिटिंग, भाई मैंने इस चीज़ को डिस्कस कर दिया, फिर भी मैं उन चीज़ को बार बार आपके सामने रख रहा हूँ, सो दैट यू मे लर्न दीज थिंग्स। यही एग्जाम में सीधे सीधे आता है, व्हाट आर पॉलीमर ब्लेंड्स एंड कंपोजिट, व्हाट इज द नीड ऑफ ब्लेंडिंग एंड कंपोजिटिंग, व्हाट इज द मेजर प्रॉब्लम इन इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स और इंजीनियरिंग पॉलीमर्स, दीज आर सम कॉमन क्वेश्चंस। तो मैंने बताया जैसे उसकी स्ट्रेंथ कम होती है, स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए, स्टिफनेस इंक्रीज करने के लिए, रेजिस्टेंस इंक्रीज करने के लिए हमको ब्लेंडिंग एंड कंपोजिटिंग करनी होती है, ठीक है। सो इट इज द प्रोसेस टू इम्पार्ट स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू पॉलीमर्स, ठीक है, जैसे मटेरियल कास्ट रिड्यूस करना है आपको पहला,
उसका बेनिफिट है। एक्सपेंडेड सर्विस ऑफ टेम्परेचर रेंज यानी टेम्परेचर रेजिस्टेंस बढ़ गया, लाइट वेट हुआ, इंक्रीज टफनिंग हुआ, इन्हांस्ड ओजोन रेजिस्टेंस हुआ, इम्प्रूव्ड मॉडुलस एंड हार्डनेस, मैंने अभी आपको बताया मॉडुलस एंड हार्डनेस ये मेजर प्रॉब्लम है, इम्प्रूव्ड बैरियर प्रॉपर्टी एंड फ्लेम रिटार्डेंट प्रॉपर्टी, इम्प्रूव्ड इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंटल स्ट्रेस, क्रैकिंग रेजिस्टेंस एक्सेट्रा, दीज आर सम बेनिफिट्स जो कि क्या है ब्लेंडिंग और कंपोजिटिंग से हो सकता है। मतलब पॉलीमर स्ट्रांग हो जाएगा, लाइट वेट हो जाएगा, स्ट्रेंथ अच्छी हो जाएगी, केमिकल रेजिस्टेंस अच्छा हो जाएगा, टेम्परेचर रेजिस्टेंस अच्छा हो जाएगा, ये ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट ब्लेंड्स। सो टाइप ऑफ पॉलीमर ब्लेंड्स, पॉलीमर ब्लेंड्स जो है वो क्या है मैंने पहले बता दिया। अब कितने टाइप के पॉलीमर ब्लेंड्स हो सकते हैं, दीज पॉलीमर ब्लेंड्स में बी मिसबिल और पार्सली मिसबिल और इमिसबिल। ध्यान दीजिएगा, पॉलीमर ब्लेंड मीन्स मिक्सिंग पॉलीमर विद पॉलीमर अनदर पॉलीमर। अब इसको मिक्सिंग पॉलीमर विद अनदर पॉलीमर क्यों मिक्स करेंगे? सपोज हमको एक ऐसा पॉलीमर डेवलप करना चाहिए जो कि लाइट वेट है, स्ट्रेंथ में अच्छा है और केमिकल रेजिस्टेंट। तो अब ऐसा पॉलीमर हमको डेवलप करना है एंड इट इज़ मैटर ऑफ रिसर्च, नया पॉलीमर ऐसा बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि एक केमिकली रेजिस्टेंट पॉलीमर है उसको किसी स्ट्रेंथ वाले अच्छी स्ट्रेंथ वाले पॉलीमर के साथ मिक्स करके दोनों प्रॉपर्टीज़ को एक साथ ला सकते हैं, यानी दो प्रॉपर्टीज़ वाले डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ वाले पॉलीमर्स को क्या कर सकते हैं मिक्स कर सकते हैं, ठीक, टू अटेन सम पॉलीमर्स ऑफ इस डिजायर्ड प्रॉपर्टीज, जैसी प्रॉपर्टी हमको चाहिए, ठीक है। सो दीज में बी मिसबिल और पार्सली मिसबिल और इमिसबिल। इन हेट्रोजीनस और इमिसबिल ब्लेंड्स, अगर वो इमिसबिल ब्लेंड्स हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लेंड कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट, ठीक है, दोनों कंपोनेंट्स के, यानी आपको जो अभी बताया गया था कि पॉलीमर ब्लेंड क्या है, पॉलीमर ब्लेंड पी प्लस पी, पॉलीमर प्लस पॉलीमर, ठीक है। तो वीकनेस ऑफ वन पॉलीमर कैन टू अ सर्टेन एक्सटेंट बी कंफलगेटेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ अनदर, एक की वीकनेस दूसरे के स्ट्रेंथ से जो है वहां पे कंप्रोमाइज हो सकती है, ठीक। मिसबिल पॉलीमर ब्लेंड ऐसा है कि जो पॉलीमर ए और बी, सपोज हमने दो पॉलीमर है मिक्स किया, वो फुल्ली मिसबिल, तो ये कैसा बना लेगा, होमोजीनस, ये होमोजीनस हो जाएगा और यहां पर इट इज एसोसिएटेड विद नेगेटिव वैल्यू ऑफ फ्री एनर्जी, ठीक, ऑफ मिक्सिंग एंड डोमेन साइज इज कंपेरेबल टू डायमेंशन ऑफ द माइक्रोमोलिकुलर स्टेटिस्टिकल सेगमेंट, यानी कि इनका जो आपने पढ़ा ना थर्मोडायनेमिक्स, ये अनदर थिंग है जो हम इसको भी छोड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, आपके सिलेबस में उतना ज़्यादा आना भी नहीं है। क्या डेल्टा जी, कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो जो मिसबिल पॉलीमर्स हैं यानी पी प्लस पी हमने मिलाया, वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, अपने आप होने वाली है, यानी उसका डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए। एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया, जैसे पॉलीस्टायरीन है और इसको ब्लेंडेड विद पीपीओ, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि मोर प्रोसेसेबल देन स्ट्रेट पीपीओ वहां पर डिटरमिन होगा, ठीक। दूसरा पार्शियली मिसबिल है जिसमें क्या है कि इंटरैक्टिंग फेजेस, एक वन बीइंग रिच इन पॉलीमर फर्स्ट एंड अदर बीइंग रिच इन पॉलीमर सेकंड, लाइक दिस, ठीक है, ये होमोजीनस है। एग्जांपल इसका आपको क्या करना है, एग्जाम्पल से याद रखना है, पॉलीकार्बोनेट एक्रेलोनाइट्राइल पार्सली मिसबिल ब्लेंड का, मिसबिल ब्लेंड का और हेट्रोजीनस यानी इमिसबिल ब्लेंड्स का, सबका एक एक एग्जाम्पल याद रखना है आपको, ठीक है। लेट अस स्टार्ट ब्लेंड्स वर्सेस कंपोजिट, ब्लेंड क्या है और कंपोजिट क्या है, ठीक, दोनों को कंपेयर कराते हैं जरा। तो जो ब्लेंड है वो ब्लेंड इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू पॉलीमर्स, ये सिंगल फेज, ये ध्यान दीजिएगा जो मैंने सिंगल फेज लिखा है वो एक स्पेसिफिक केस है और वो कैसा है मिसबिल का, मतलब कि जो हेट्रोजीनस ब्लेंड्स भी होते हैं यहाँ पर हमने किसको लिया है, केवल मिसबिल वालों को लिया, ठीक। दे डू नॉट फॉर्म स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स, ठीक, बिटवीन पॉलीमर्स एंड ब्लेंड्स आर एनालॉगस टू मेटल एलॉयज, आल्सो रिफर्ड एज पॉलीमर एलॉय,
ठीक है। तो ये देखिए पॉलीमर ए और पॉलीमर बी मिक्स किया, ये डिफरेंट हेट्रोजीनस फेजेस, ये इमिसिबल ब्लेंड हो गए, इमिसिबल ब्लेंड हो गए, और ये होमोजीनस यानी कि मिक्स। जो कंपोजिट होते हैं मेड अप ऑफ टू आर मोर एलिमेंट्स रिजल्टिंग इन मल्टी फेज, यानी कंपोजिट नेसेसरली मल्टी फेज में होना है। ब्लेंड जो है वो सिंगल फेज भी हो सकता है और हेट्रोफेज भी हो सकता है, बट जो कंपोजिट है वो नेसेसरली सिंगल फेज होगा, सॉरी मल्टी फेज होगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर एक पॉलीमर है और एक दूसरा कोई री इन्फोर्सिंग फिलर मटीरियल है, ठीक है। कंपोजिट और ब्लेंड बनाना कोई अभी का आज का खेल नहीं है, सभी लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, अर्लीस्ट मैन मेड कंपोजिट मटेरियल्स वेयर स्टैंड मड कंबाइंड टू फॉर्म ब्रिक्स। ब्रिक जो बनाते थे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज करते थे, उसमें स्ट्रा यानी कि ये फूस या जो राख बोलते हैं वो और मड इनको यूज करते थे, स्ट्रा एंड मड इन दोनों को यहाँ पर यूज करते थे, फूस और मड, ठीक, इससे ब्रिक्स बनाते थे। तो ये एक तरह से इनकी क्या करी गई थी, ब्लेंडिंग करी गई थी। ये नेचुरल पॉलीमर्स हैं, ये भी नेचुरल सॉरी, और यहाँ पर इसको इंक्लूड किया है। ऐसे इस तरह से कंक्रीट इज ऑल्सो ए कंपोजिट मटीरियल, कंक्रीट भी यहाँ पे कंपोजिट मटीरियल है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर क्या क्या डाला गया अभी आपको पता होना चाहिए। एक कंसिस्ट ऑफ बाइंडर यानी सीमेंट और री इन्फोर्स मटीरियल क्या है, ग्रेवल। आपको बींग इंजीनियर या बींग केमिस्ट आपको ये फुल फॉर्म पता होना चाहिए, सीसी और आरसीसी, ये क्या है भाई, मोर्टार सीमेंट का सीसी, कंक्रीट सीमेंट, कंक्रीट और सीमेंट। तो सीमेंट जो है वो बेस मटेरियल बना रहा है यानी फर्स्ट फेज, और उसके अंदर ग्रेवल या जो कंक्रीट है ये आपका रीइंफोर्सिंग हुआ। आरसीसी अभी जो सड़क बनी तो वो सीसी या आरसीसी, कभी कभी बोलते हैं नेताजी ने सीसी रोड का उद्घाटन किया, मीन्स उसमें केवल कंक्रीट और सीमेंट था। आरसीसी आपकी योर रूफ, घर की छत, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट एंड सीमेंट रीइंफोर्स्ड विद सम स्ट्रेंथनिंग मटेरियल लाइक स्टील रॉड, तो आयरन रॉड जो स्टील रॉड हम लोग लगाते हैं तो वो रीइंफोर्स्ड आरसीसी बोला जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये कोई कंपोजिट और ब्लेंड बनाना कोई नया नहीं है बल्कि बहुत पुराना है। एक एग्जांपल और लेते हैं, वुड जो है वो नेचुरल कंपोजिट है कंसिस्टिंग ऑफ सेलुलोज एंड एज द फाइबर एंड लिग्निन एज द मैट्रिक्स। जब आप कोई भी वुड का वो लेते हो तो वहां पे देखो ये वुड है तो उसमें बीच बीच में इस तरह से रेशे दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। तो लिग्निन का जो है वो मैट्रिक्स बना है और ये रेशे जो है ठीक यहाँ पे सेलुलोज फाइबर्स के होते हैं, ठीक है। तो ये कंपोजिट फॉर्मेशन ये कोई नया नहीं है बल्कि नेचर ने दिया है और एंशियंट टाइम से यूज करते आ रहे हैं, ठीक है। लेट अस स्टार्ट पॉलीमर ब्लेंड्स, ठीक। ब्लेंडिंग मैंने बताया कि यहाँ पर क्या है, पॉलीमर है और उसके साथ में रीइंफोर्सिंग मटेरियल है जो कि पॉलीमर नहीं है, ठीक है। तो क्यों करते हैं भाई, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर को एनहांस करने के लिए, कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, और इसके अलावा प्रोसेसिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए और टू इम्प्रूव इम्पैक्ट रेजिस्टेंस, वही सेम चीजें हैं। सो प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लेंड्स, ब्लेंड की प्रॉपर्टीज क्या क्या, जैसे ये प्रॉपर्टीज ऑफ मिसिबल पॉलीमर ब्लेंड्स मे बी इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ द टू इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पर वैसे अदर केसेस में क्या है कि ये जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम एडिटिविटी यानी सिनर्जिस्टिक एडिटिव बिहेवियर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट वी एक्सपेक्ट फॉर दिस एडिटिव बिहेवियर, यानी कि दोनों प्रॉपर्टीज जो है वो जुड़ जाए, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे पॉलीएमाइट और पॉलीथिलीन, ये देखो ये स्टिफ है, स्ट्रांग है, ठीक, ये गुड बैरियर प्रॉपर्टीज, ऑक्सीजन और सॉल्वेंट इससे जो है ये रेजिस्टेंस है, थर्मल प्रॉपर्टीज अच्छी हैं, ब्रिटल है, ठीक, और ये ब्रिटल है ये इसकी ड्रॉबैक है, ये सेंसिटिव टू मॉइस्चर है ये इसका ड्रॉबैक है, ये एक पॉलीएमाइट PA6 हो गया, ठीक है। अब पॉलीथीन क्या है, ये टफ है, सही है, नो वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक,
अब यहां से इसको कंपेयर करो, हमें ऐसा चाहिए जो वाटर भी ना अब्सॉर्ब करे, ठीक। तो कुछ प्रॉपर्टीज इसमें है और कुछ प्रॉपर्टीज इसमें है। अब इनकी हम ब्लेंडिंग कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट, आपके पास टर्नरी ब्लेंड्स भी हो सकते हैं। टर्नरी ब्लेंड्स मतलब जब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तीन तीन लोगों को मिक्स कर दे रहे हैं। जैसे आपने कहा कि थ्री कंपोनेंट्स ले लिया, क्या क्या, पॉलीमिथाइल एक्रिलेट ले लिया और इसके अलावा पॉलीथाइल पॉलीमिथाइल ले लिया, PEMA ले लिया, SAL ले लिया, इनकी ब्लेंड्स कर दिया। हाँ, नेवर टू कन्फ्यूज विद ब्लेंड्स एंड कंपोजिट। अगेन कंफ्यूज नहीं करना है। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, अभी ब्लेंड ही पढ़ रहे हैं। ब्लेंड मतलब पॉलीमर मिक्स्ड विद पॉलीमर। दो पॉलीमर्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किया। जो प्लस लिखा है वो उनकी गुड प्रॉपर्टीज हैं, जो माइनस लिखा है उनकी बैड प्रॉपर्टीज हैं। ये इसकी बैड प्रॉपर्टी है, ये गुड प्रॉपर्टी है। हम इन दोनों को मिक्स कर देंगे जिससे कि डिजायर्ड प्रॉपर्टी, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी का ब्लेंड हमको मिल जाए। वही मैंने कहा है, दो के बजाय तीन पॉलीमर को हम लोग मिक्स कर सकते हैं टू गेट डिजायर्ड प्रॉपर्टीज। सम मिसविल ब्लेंड्स मैंने आता है, PSPP हो गया, PBCNBR हो गया। नो नीड टू कन्फ्यूज अबाउट दिस। मेरे ख्याल से सबको फुल फॉर्म आता होगा, नहीं आता तो आप गूगल कर लीजिए, देखिए। और पीछे वाले लेक्चर्स में, प्रीवियस लेक्चर्स में ये सब चीज़ें लिखी भी हुई हैं। सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑन सब मिसविल एंड इनमिसविल ब्लेंड्स। लेट अस स्टार्ट कंपोजिट, ठीक है। कंपोजिट में क्या होगा कि मोस्ट कंपोजिट हैव टू कंस्टिट्यूएंट मटेरियल। क्या क्या है, मैट्रिक्स है और रीइंफोर्सिंग मटेरियल, ठीक है। लेट अस सी, मैंने कुछ अगर आपको कंपोजिट के बारे में बताया, हाँ ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ब्लेंड, यहाँ पे अगर गलत किया हो तो एक्सक्यूज करना, जो पॉलीमर ब्लेंड्स हैं वो ये क्या है, ये कंपोजिट है। कंपोजिट पॉलीमर प्लस रीइंफोर्सिंग मटेरियल होते हैं, ये कंपोजिट है, ठीक है। और पॉलीमर ब्लेंड क्या होते हैं, पॉलीमर ब्लेंड होते हैं पॉलीमर प्लस पॉलीमर, ठीक है। इफ आई वाज रॉन्ग तो इसको करेक्ट करिए। पॉलीमर ब्लेंड्स क्या हुए, पॉलीमर प्लस पॉलीमर। कंपोजिट क्या हुए, पॉलीमर प्लस रीइंफोर्सिंग मटेरियल। We are giving example of this polymer blend. अभी तक let us start composite. जो कंपोनेंट है वो पॉलीमर प्लस reinforcing material है, ठीक है भाई। तो अभी जैसे पॉलीमर है, उसने क्या बनाया, मैट्रिक्स, यानी मेन पार्ट उसका उसने बनाया, और इसमें कुछ एक reinforcing material हमने डाले, ठीक, composite। तो एक तो मेजर पोर्सन हो गया मैट्रिक्स, ठीक, जो कि मेनली पॉलीमर का बना होगा, ठीक। तो द रोल ऑफ मैट्रिक्स इज टू बाइंड द रीइंफोर्समेंट टुगेदर सो दैट द अप्लाइड स्ट्रेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द रीइंफोर्समेंट एंड प्रोटेक्ट द सर्फेस ऑफ द रीइंफोर्समेंट फ्रॉम बींग डैमेज, ठीक है। ये मैट्रिक्स जो है वो मैट्रिक्स यहाँ पर बेस बना रहा है और इसके बीच में क्या पड़े हुए हैं, रीइंफोर्सिंग मटीरियल्स होते हैं, ठीक है। तो पॉलीमर कंपोजिट्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू मैट्रिक्स फेजेस। अगर मैट्रिक्स फेजेस के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करना हो तो PMCs यानी पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट हो गए, सिरामिक मैट्रिक्स कंपोजिट हो गए जिसमें सिरामिक्स का मैट्रिक्स बना है, और मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट हो गए जिसमें मेटल, ठीक। रीइंफोर्सिंग मटीरियल क्या होंगे भाई, रीइंफोर्स मटीरियल का रोल क्या है कि ये प्राइमरली उसको क्या है, टू एड द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड टू द मटीरियल स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस। यानी कि जो एक जो हमने यहाँ पर आपको मैट्रिक्स ले रखा था, ये हो सकता है सॉफ्ट हो, तो इसमें जब रीइंफोर्सिंग फिलर डालेंगे तो इसकी स्ट्रेंथ और स्टिफनेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक। ये पार्टिकुलेट हो सकते हैं, डिसकंटिन्यूस फाइबर हो सकते हैं या फिर कंटिन्यूस फाइबर हो सकते हैं, ठीक। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे मान लीजिए शॉर्ट फाइबर्स हो गए, ये पार्टिकल्स उसमें बीच बीच में हमने डाले स्ट्रेंथ करने के लिए, ठीक। एक सिंपल सा एग्जांपल हम आपको बताएं, एक सिंपल सा एग्जांपल मेरे ख्याल से आपको सबसे ज़्यादा समझ में आएगा, और वो है स्टील। व्हाट इज स्टील, स्टील इज आयरन, और आयरन रीइंफोर्सिंग मटेरियल उसमें क्या मिलाया, कार्बन। सो आयरन का तो मैट्रिक्स है,
आयरन मैट्रिक्स है और कार्बन उसमें क्या हो गया, रीइंफोर्सिंग मटेरियल। आयरन के साथ में क्या है, कार्बन इज रीइंफोर्सिंग मटेरियल, ठीक है, जो कि होमोजेनियसली मिक्स्ड है। ठीक, रीइंफोर्सिंग एजेंट मस्ट हैव द फॉलोइंग एबिलिटीज और फंक्शंस। ठीक, क्या क्या होने चाहिए, मस्ट बी स्टिफर एंड स्ट्रॉन्गर देन पॉलीमर मैट्रिक्स, अदरवाइज मिक्स करने का कोई बेनिफिट नहीं है। हैज गुड पार्टिकल साइज, सेफ सरफेस कैरेक्टर फॉर इफेक्टिव मैकेनिकल कपलिंग टू द मैट्रिक्स, उससे वहां से वो बाइंड हो सके अच्छे से। एंड इट प्रिजर्व द डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ पॉलीमर मैट्रिक्स। ठीक है, ये पॉलीमर मैट्रिक्स की डिजायरेबल प्रॉपर्टीज को भी प्रिजर्व रखेगा, साथ में अच्छे से बाइंड हो सके और स्ट्रेंथ दे। ठीक, द टू मेन क्लासेस ऑफ रिइंफोर्सिंग एजेंट्स, एक तो फाइबर्स होती हैं, दूसरी को बोलते हैं प्लेटलेट्स, जैसे माइका और टैल्क हो गया, इनको हम लोग डालते हैं। ठीक है, फाइबर्स जो है वो ग्लास फाइबर्स जनरली ज़्यादातर यूज करते हैं, कार्बन फाइबर्स हो गए इनको यूज करते हैं। हाँ, आजकल अभी जो नैनो कंपोजिट्स भी, जैसे आपको ये ट्वेटा रिसर्चर्स, ये दे डेवलप फर्स्ट नैनो कंपोजिट फ्रॉम नायलॉन स्टिक्स और उसमें क्ले नैनो फिलर्स डाला था जो कि 1 नैनोमीटर थिकनेस का था। ठीक, इससे जो है क्या हो जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ और स्टिफनेस काफ़ी बढ़ जाएगी, यानी कि सबसे लाइट वेट, हल्का, थिन और स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी वाला जो है वो पॉलीमर डेवलप हो जाएगा नैनो कंपोजिट के थ्रू। ठीक है, सो रीइंफोर्स्ड पॉलीमर जो हैं, दे आर हाई स्ट्रेंथ, दे हैव लो वेट, दे आर यूज्ड इन ऑटोमोटिव, दे आर यूज्ड इन मैरीन कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस एंड मिलिट्री। जैसे आपको मान लीजिए कि आपको एयरक्राफ्ट बनाना है, तो एयरक्राफ्ट जो है वो कैसा होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए और स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। तो वहाँ पर क्या करना चाहिए, हमको जो प्योर मेटल नहीं लेते बल्कि उसमें हम कंपोजिटिंग करते हैं। ठीक है, तो उसमें कंपोजिट करते हैं, आपकी जो गाड़ियां हैं कार हुई, ये सब हुए, तो वी वांट गुड एवरेज, स्ट्रांग भी चाहिए और लाइट वेट भी चाहिए जिससे उसका एवरेज अच्छा रहे। तो स्ट्रांग और लाइट वेट के लिए हम वहाँ पर अच्छी क्वालिटी के कंपोजिट्स यूज करते हैं, जिसको आप लोग फाइबर इन जनरल बोलते हो, तो वो अच्छी क्वालिटी के कंपोजिट यूज करते हैं। ठीक, सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ कंपोजिट्स, जैसे इपॉक्सी रेजिन है, कैवलर फाइबर्स प्लस कार्बन फाइबर्स है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये एक कैवलर जो है एक डेवलपिंग माने सबसे अच्छा इस समय जो है रिसर्च एरिया है, ये हीट रेजिस्टेंट और स्ट्रॉन्ग सिंथेटिक फाइबर है। ठीक, ये 1,4 पॉलीफिनाइलिन डायमाइड और पैरा फिनाइलिन डायमाइड और टेट्राफेलोइल क्लोराइड, इनको कंडेंसेशन से हम लोग इसके बनाते हैं। ठीक, इसके हमारे पास बुलेट प्रूफ वेस्ट और अच्छी क्वालिटी के हेलमेट्स, ये सब सारी चीज़ें इनकी यूज़ करते हैं। ठीक, तो जैसे आपका टेनिस रैकेट्स हो गया, तो इसमें नायलॉन तो मैट्रिक्स है, उसमें कार्बन फाइबर डालते हैं। ऑर्डिनरी नायलॉन की रस्सी जब आप यूज़ करते हो तो क्या देखते हो कि वो काफ़ी दिनों थोड़ी दिनों में ढीली हो गई, वो उसकी लंबाई बढ़ गई और ये सब, तो उसमें क्या होता है कि जो टेनिस रैकेट्स हैं उसमें कार्बन फाइबर्स भी फिलर डाला है, यानी वो एक कंपोजिट है नायलॉन प्लस कार्बन फाइबर्स का है। ठीक, तो उससे आप उसकी स्ट्रेंथ समझ सकते हो। कंपोजिट वर्सेस नैनो कंपोजिट, मैंने आपको नैनो के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा दिया है कि जब भी नैनो आएंगे तो वहाँ पे गैप्स कम होंगे, इससे उसकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाएगी। सपोज एक पॉलीमर था उसका, एक कोई या एक मेटल यहाँ पर, तो यहाँ पे जो भी इसका अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट में जो बीच बीच में गैप्स हैं, उसमें अगर मान लीजिए कि पार्टिकल नैनो लेवल के आए तो डेफिनेटली स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ जानी है। ठीक, सो दीज आर सम रीजन्स टू कंसिडर पॉलीमर ब्लेंड्स एंड कंपोजिट, मैंने इस चीज़ को पहले भी बता दिया था, एक बार फिर से नोट कर लीजिएगा और कंटिन्यू करिए। थैंक यू, दिस चैप्टर इज ओवर एंड वी विल स्टार्ट अनदर राइट नाउ।